धरती पर जगमुआ पंडित भयो न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का जो पैस पंडित हो। सियावर रामचंद्र की जय। बनारस में बाबा विश्वनाथ, प्रयागराज में कुंभ, और इलाहाबाद वहाँ पर अयोध्या में रामचंद्र जहाँ हुई उनका जन्म। हम तो यहाँ नहाने आए हैं पराग, मगर देख रहे हैं संसार। जुग जुग जिए मोदी और जुग जुग जिए योगी। हम मामा मोदी का है, मोदी का है जिए। ऐसा किया व्यवस्था की जो मैं कभी नहीं व्यवस्था पाई। साथियों, ये हम लोग प्रयाग के संगम में जो आज तक के द्वारा आयोजित एक बड़ा इंटरेक्शन हो रहा है संगम को लेकर, प्रयाग को लेकर के, कुंभ को लेकर के, वहाँ पे माता जी कहाँ से आए आप? कुंडा प्रताप का। क्या करते हैं? हम मोदी जी के लिए काम करते हैं। जो मोदी जी के लिए काम क्यों? मोदी जी अच्छे नेता, आगे उनसे कुछ उम्मीदें आपको नजर आ रही है? बहुत ज्यादा, देश को बहुत आगे ले जा रहे हैं। आजकल लोग न जाने क्या क्या उनके बारे में कहने लगे हैं, कुछ कहना चाहते हैं? राहुल गांधी 70 साल 60 साल से उसने क्या किया था? राम मंदिर को लेकर आपको लगता है भाजपा मंदिर सिर्फ मोदी जी बना सकते, बाकी कोई नहीं बना सकता, कोई भी सरकार नहीं बना? जनता से कुछ कहना चाहते हैं? जनता से यही कहना चाहते हैं 2019 में मोदी जी को फिर से लाइए और पीएम बनाइए, मंदिर बनेगा, मोदी जी बनाइए। एक बार नाम अपना बताइए। अनुप कुमार यादव, कुंडा प्रताप। धन्यवाद। भगवान कृष्ण का नाम तो ऐसा है कि उनकी कलाओं का जिक्र चलता चला जाएगा, लेकिन सिलसिला खत्म नहीं होगा। मोहपाश में बांध देने वाले मोहन का जिक्र यहाँ पर हो आया, तो आप ये समझ लीजिए कि प्रयाग में आज राम भजन भी हो गए, हनुमान भजन भी हो गए और कृष्ण भजन भी हो गए। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन कवरेज जारी है। अच्छा, आप लोग बताइए, राम मंदिर के मुद्दे कुछ कहना चाहते हैं? राम मंदिर बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए? नेता लोग तो नहीं चाहते हैं? जी नहीं, नेता लोग तो अपनी राजनीति करेंगे ही, बाकी कोई नहीं चाहता। मोदी भी नहीं चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं? मोदी चाहते तो बन जाता। बीजेपी पार्टी ही चाहती है राम मंदिर बने, बाकी कोई पार्टी नहीं सामने आ रही। राम कांग्रेस अगर चाहे, देखिए राम मंदिर के लिए हो सकता है संसद में विधेयक लाना चाहिए और पास करके राम मंदिर बनाना। सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मिल गई तो वो तो फिर मैटर फिर बाद में देखा जाएगा ना, पहले वो तो, लेकिन वो तो करें, मतलब अपना संसद पास तो करें। अगर मोदी जी जीएसटी पर अपने मन से अध्यादेश ला सकते हैं, नोटबंदी पर अपने मन से अध्यादेश ला सकते हैं, तो पिछड़ा वाले मामले में भी ना जीएसटी वो पर ला सकते हैं, तो क्या राम मंदिर के लिए अध्यादेश नहीं ला सकते? कुंभ इस वक्त प्रयागराज में चल रहा है और इसीलिए दिल्ली से सफर कर हम खास तौर पर सीधे प्रयागराज पहुंचे हैं और ऐसी जगह पर पहुंचे हैं जहां पर अभी तक कोई नहीं पहुंचा, क्योंकि कोशिश ये थी कि इस जगह पर सबसे बड़ा सेटअप लगाकर आपको कुंभ के हर रंग दिखाई दे। और दोबारा सर, आस्था संस्कृति विश्वास का प्रतीक कुंभ इस वक्त प्रयागराज में चल रहा है और आज ही से क्योंकि शुभारंभ हुआ है, कुंभ की सबसे भव्य तस्वीरें आपके लिए हैं। आप कहां से आए हैं? हम चुनार। चुनार से आए हैं। उम्र कितनी हो गई आपकी? हमारी उम्र 54 बरस है। तो मैं जानना चाहता हूँ, अकेले आए हैं कि साथ में आए? कोई अकेले आए हैं। एक बार पहले आए थे तो व्यवस्था बढ़िया नहीं था, बड़ा भीड़ भाड़ थी, जगह कंजेस्टेड था। हाँ, और इस बार जब आए देखा, अकेले आए? क्या अकेले आए? डर गई है। और इस बार जब आए तो लगे पछताने। मैंने इनसे कहा कि साथ में लेके चलिए, लेकिन ये इतने हटबाजी कर गए, बोले कि व्यवस्था नहीं होती है और वहाँ पर लोग दब कुचल जाते हैं और डर गए, परिवार नहीं लेके आए और पछता रहे हैं। इस बार पछता रहे हैं। बसंत पंचमी, आज सवेरे मेरी पोती फोन की थी तो मैं कहा कि मैं बड़ा। आपका नाम क्या है, कहाँ से? भुवनेश्वर प्रसाद द्विवेदी। ये भी अनुदेश है। सीखड़ में जो है आईटीआई का अध्यापक हूँ। वो बोली कि आप नहा लिए? मैंने बोला मैं बड़ा पछता रहा हूँ कि तुमको लेके नहीं आया। तो साथियों, ये तमाम वो लोग हैं कुंभ में जो देश भर के कोने कोने से आए हैं, राज्य के अलग अलग जिलों से आए हैं
और इस बार का आयोजन इतना सुंदर हुआ है, इतना सुंदर हुआ है कि लोग जो है पछता रहे हैं कि जिस डर के मारे मैंने अपने बच्चों को अपने परिवार को छोड़ दिया घर पर, काश उन्हें लाया होता तो इतना भव्य दिव्य रूप उनको दिखता कुंभ का। तो ये कुंभ अभी बहुत समय आपके पास, मैं चाहूंगा कि आप जल्दी अगले रविवार के साथ आए। मैं स्वामी रामशंकर, आपको वीडियो ये पसंद है तो प्लीज इसको शेयर करिए ताकि कुंभ की महत्ता गरिमा को दुनिया भर के लोग जान सके। मेरा मकसद ये है कुंभ को लेकर के कि हम किताबों में साधुओं के जीवन को, भारतीय दर्शन को न पढ़े, यहाँ आकर देखें जीवन को कैसे लोग जीते हैं, भारतीय दर्शन के जीवन में कैसे रचा बसा है। यूथ से भी बात करेंगे थोड़ा सा, आइए जानते हैं गीता को किसने लिखा है। गीता को कृष्ण द्वापर जो है वेदव्यास ने लिखा है। वाह क्या बात है, ताली बजाइए आप लोग। आपका नाम क्या है? कुलदीप यादव। आप भी बताइए रामायण के लेखक कौन है? वाल्मीकि जी। भागवत के बारे में आपने सुना है? जवान लोग बात करेंगे, बुजुर्ग लोग अभी उत्तर नहीं देंगे। ये बताइए भागवत के बारे में सुना है आपने? श्रीमद् भागवत। हाँ हाँ बताइए किसने लिखा है? किसने लिखा है आप बताएंगे? हाँ जी, नहीं लिखा आपको तो सब पता है, बताइए ना। अच्छा दर्शन कितने होते हैं पता है आपको? भारतीय दर्शन मूल कौन कौन से? सांख्य, मीमांसा, न्याय, योग और वैशेषिक। उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, सांख्य योग, न्याय, वैशेषिक, जी जी जी, ये छह दर्शन होते हैं। तो साथियों ये बहुत अच्छा लग रहा है कि इस कुंभ में नौजवान जो है, युवा पीढ़ी है, भारी मात्रा में आ रहे हैं। लगातार हम इस पर फोकस किए हुए हैं कि कुंभ में युवाओं का सहभागिता किस रूप में है, युवाओं का जो मन है, युवाओं की जो सोच है, वो कुंभ में हम कैसे देखें। तो मैं बहुत बहुत ज्यादा आशावान हूँ इस बात को लेकर के, इस कार्यक्रम में अद्भुत अद्भुत यह आनंद मिल रहा है। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग छपरा बिहार से हैं। कुंभ में क्या करने आए? जवानी है, जाके पिक्चर देखते, पिकनिक स्पॉट पे जाते, क्या करने कुंभ में आए? कुंभ में आए हुए अपने माता पिता को भी थोड़ा साथ में लेकर आए, नहाने धोने की। आजकल पता है एक बड़ी समस्या है, लड़कों की शादी हो जाती है, नौकरी लेके बीबी लेके भाग जा रहे हैं। नहीं नहीं, तो वो भी जरूरी है। अच्छा वो जरूरी है, जरूरी सबसे ज्यादा जरूरी है कि माता पिता को पहले कुंभ में ले आए और यहाँ पर। अच्छा मेरारू और माई दोनों अगर दू धूरी में हो तो कैसे आप लोग समझाते हैं? आप शादी हो चुकी है आपकी? हुई नहीं, अभी तो नहीं हुई। तब तो आप छोड़ दीजिए इस बात को, आपकी शादी हुई है? नहीं नहीं। अच्छा ये बताइए पत्नी को चुनना पड़े और मम्मी को चुनना पड़े तो आप क्या करेंगे? पहले मम्मी को चुनेंगे। ताली बजाओ भाई। आजकल लौंडे इतने बदमाश हो गए हैं कि मेहरारू को लेके भाग जाते हैं बूढ़े माई दादा। पहली बार पहली सबसे पहले मम्मी पापा हमारे लिए मान्य हैं, उसके बाद पत्नी। ऐसे सुपुत्र भगवान सबको दे। पहले हाँ, तो माँ हुई ना सर। जी कहाँ से आए? जी मैं मध्य प्रदेश से आया। क्या करते हैं? जी मैं बिल्डिंग वर्क का काम। शादी हो गई है जी। मम्मी में और आपकी पत्नी में झगड़ा कभी होता है? सही से बताइएगा। होता है। तो आप क्या करते हैं बताइए जी? मम्मी को भी हटकते हैं और पत्नी को भी हटकते मतलब डांटते हैं जी, दोनों को डांटते। तो गलत बात है मम्मी को डांटना? नहीं, नहीं, नहीं अच्छी बात है, अच्छी बात है। मैं क्योंकि माँ को भी समझाना जरूरी है कि दोनों जब अपन घर में एक ही घर में रह रहे हैं तो दोनों आपस में रहें, मिलजुल प्रेम से रहें। बहुत बढ़िया। और कुछ कहना चाहते हैं कुंभ को लेकर के? किसी के मन में कोई बात है? बाबा जी आप कुछ कहना चाहेंगे? बाबा जी कह रहे हैं कुंभ में कि पहली बार दर्शन करने आए, ब्रह्मचारी आदमी है और मालिक की सब कृपा है, कुंभ अच्छी है। बहुत 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 हम ये कहना चाहते हैं कुंभ में जो ऐसी व्यवस्था हुई है जिंदगी, मतलब पहली बार हुई है मोदी सरकार। ये तो सब लोगों को महसूस हो रहा है, ऐसा व्यवस्था उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। योगी जी जो आज सबसे ज्यादा अच्छा लगा हमको, जानते हैं पीला वाले बाबा जी, पीला बाबा बोली क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा है इसको भी सुधारने के। आप क्या है मतलब आप शौकिया पहने हैं कि साधु परंपरा? साधु रंग में आने वाला हूँ अभी, आपकी प्रैक्टिस चले, ट्रेनिंग चल रहा है अभी, एक तरह से शुरुआती दौर है, चार छह सालों में जो है शुरुआती दौर है। तो क्या करने साधु आए, घर बैठ के भक्ति उक्ति नहीं हो सकती है? हो सकती है, हो रही है, मतलब शादी भी। ये तो कई बार लोग कहते हैं कि शादी में दिक्कत ली है उसके बाद साधु बन रहे हैं, घूम रहे हैं। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, देखो हमने अपना जो अपना बहुत अच्छी बात है। वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, उससे पहले ब्रह्मचर्य गृहस्थ आश्रम का कॉन्सेप्ट आपको पता है ना? तो आपका ब्रह्मचारी तो हो गया पढ़ाई लिखाई, शादी में गृहस्थ कम्प्लीट हो गया, अब आप वानप्रस्थी में है और भगवान के आप सन्यासी बन पाए। लेकिन अगर किसी के अंदर प्रबल वैराग्य है तो आपको पता है सीधे वो फ्लाइट कर सकता है, बाईपास कर सकता है, पुल के जरिए, ओवरब्रिज के जरिए ब्रह्मचर्य से संन्यास में जा सकता है। लेकिन वो पक्का होना चाहिए, नकली नहीं होना चाहिए। नकली हुआ तो पता है क्या होगा, सब लोग भीतर जैसे कैसे जैसे आसाराम जी जेल में गए और कोई नहीं गया है, उनका नेक्स्ट जनरेशन भी गया है पता है ना,
नेक्स्ट डांसर कौन है? राम रहीम। अच्छा ये बताओ, सही से बताओ, एक बार बताओ, ये लोग जो गलत कर रहे हैं इसमें मुख्य दोषी आप किसको मानते हैं? बाबाओं को मानते हैं कि जनता को मानते हैं? जब हमको पता है, बाबा जी मेरी बेनती है जी, आप हिंदुस्तान के सारे आदमी आप मंदिर गुरुद्वारे को चक्कर में पैदे, हम ना पंजाब से आए सी मानसा से, आके दिल्ली 1:30 बजे पहुंच गए हम जी। उसके बाद हमने 7 बजे गाड़ी पकड़ी इधर इलाहाबाद को, अरे 2 जनरल डब्बे आगे 2 पीछे, उसमें पशुआ मांगो हमारे को ऐसे लाद दिया। हम हिंदुस्तान की तरक्की तो ता होगी इन इन बच्चों को ना नौकरी और बढ़ाई मिलेगी, मंदिर गुरुद्वारे में तो मन में होता है। एकदम सही, ताली बजाओ आप लोग। मैं बीएड पास 2011 का, लेकिन अभी आप भी बनेंगे। ईटीवी का प्रवचन नहीं चला, ये हमारा लाइव चला, ठीक है? आप ओवरलैप मत करिए, बताइए। हमको इनको नौकरी चाहिए, जमा तुम्हारे को संत संत बढ़िया होना चाहिए, संत का ऐसे आशीर्वाद होना चाहिए, संत को ऐसे नहीं होना चाहिए जी, संत को ऐसे देना चाहिए। अब अपनी बात करिए यूपी टेट वाले सर, यूपी टेट अब आप शांत हो जाइए। यूपी टेट सर 2011 वाले जो भर्ती थे उन पे लाठीचार्ज वगैरह किया गया लखनऊ में इलाहाबाद में। मैं ये चाहता हूँ कि जैसे जो 2011 पास थे यूपी टेट, उन अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में बिल वगैरह दाखिल हुई थी, 1100 अभ्यर्थियों में से 839 को संक्षिप्त में बताइए नौकरी मिल गई। मुद्दा बताइए ना, मुद्दा बताइए। मैं मेरे जनरल में 90 नंबर है सर, जो आपका अब तो मजे लीजिए ना, क्या दिक्कत है? आप जनरल आरक्षण हो गया ना? नहीं हुआ सर मेरे, अरे अब होगा ना, हो चुका है। तो आप ये कहिए कि आपको आरक्षण के कारण नुकसान का सामना करना पड़ेगा, आगे नहीं करना पड़ेगा? समानता का व्यवहार नहीं हुआ सर, 90 वाले जॉब। अरे अब जब मैं 90 फालतू की बात कर रहे हो? सरकार ने जब मेन मुद्दा बात कह दिया है, सरकार ने जब आपको 10% सब्सिडी दे दिया है, आरक्षण दिया है, तो आप कहे पुराने कहानी को लेकर इतिहास भूगोल खाली ऐसे लोगों से, खाली बोलने के लिए इनके दिमाग में कुड़बुड़ होता रहता। दूसरी बात, आपको पता है इस पंडाल में 80 करोड़ रुपए पंडाल में बाबाओं का खर्च हुआ है, आपको मालूम है बात? 80 करोड़ बहुत होता है। मेरा ये मानना है कि ये 80 करोड़ रुपए खर्च करने की बजाय अगर गांव को सपोर्ट के लिए एक गांव गोद लिया जाए तो उन गांव का पूरा कल्याण हो जाएगा।